एवरीवन, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा और तीज के नहाए खाए की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि आज नहा खा है तो अब तीज में मात्र एक दिन बचा है। सारी प्रिपरेशन हमें आज रात तक कर लेनी है ताकि हम कल जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगे इसके लिए। तो आज का वीडियो भी इसी पर्पज़ पे होने वाला है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने तीज के लिए क्या कौन सी साड़ी ली है, क्या क्या तैयारियाँ की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी चीज़ें दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज नहा खा पे मैंने क्या बनाया है अपने खाने के लिए, और फिर उसके बाद आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या खरीदारी की है तीज को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसीलिए लाइक कर लेना, बेल आइकन को टैप कर लेना ताकि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। तो चलिए फिर दिखलाती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने अपने लिए बनाई हूँ नाश्ते के लिए रोटी, आलू गोभी टमाटर का मसाला भुजिया और यहाँ भिंडी का भुजिया। अभी दाल वगैरह भी हो गया है, बस उसका गैस निकल रहा है तो उसके बाद मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। फिर चावल जिस टाइम खाएंगे उस टाइम बनेगा, और आज अड़वा चावल बनता है क्योंकि आज नहा खा है। तो अभी 10:30 हो गया है, मैं अब जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। अभी पापा कंपनी से आ गए हैं और आज विश्वकर्मा पूजा था तो वो बहुत सारी प्रसादी लाए हैं जो वहाँ पर पूजा वगैरह में चढ़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा क्या क्या लाए हैं। यहाँ पर कुछ कटे हुए प्रसाद हैं, और ये आधा नारियल है, ये गोटा नारियल है, यहाँ पे सेब और बुनिया मिला हुआ है पैकेट में, और ये कुछ मिठाइयाँ हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की मिठाई है। किसु तुम कौन सा मिठाई खाओगी? हाँ बोलिए, कौन सा मिठाई खाओगी? क्या अकल? अकल तो कोई मिठाई नहीं है इसमें। कटल का नहीं। लो देखो, इसमें से तुम कौन सा मिठाई लोगी? नहीं। कोई नहीं, क्यों अच्छा नहीं है? कौन सा लोगी? किसु कंफ्यूज। अच्छा वो वाला चाहिए, अच्छा पेड़ा चाहिए, खाओ। मुझे पता है तुम नहीं खाओगी क्योंकि तुमको मीठा पसंद नहीं है। हाँ तो चलिए अब मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैंने तीज में क्या क्या खरीदा है, क्या क्या मैंने खरीदारी की है दान के लिए और खुद का पहनने के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखलाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी तीज में पहनने वाली हूँ। ये है वो साड़ी जो मैं तीज में पहनने वाली हूँ, आप देख सकते हो। इस बार मैंने बिल्कुल लाइट कलर चूज़ किया है पहनने के लिए, हर बार मैं रेड या फिर येलो पहनती थी, पर इस बार मुझे ये साड़ी बहुत ही पसंद आई तो मैंने सोचा चलो ये साड़ी ली जाए, आप देख सकते हो। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि साड़ी मेरी कैसी लगी। आज ही इसका ब्लाउज वगैरह भी बन करके आया है, मैं आपको वो भी दिखलाती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये ब्लाउज है इसका। और अब मैं आपको दिखलाती हूँ मेरी जो मैं लहठी पहनूंगी। मैं इस दिन ना चूड़ी यूज नहीं करती हूँ, मतलब चूड़ी नहीं पहनती हूँ मैं, पूरा लाख का ही लहठी पहनती हूँ। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, मम्मी ने ये सारी चूड़ियाँ दी है तो मैं इसमें से ट्राई करूंगी जो वाली मेरे को ज्यादा अच्छी लगेगी मिक्स एंड मैम सारी चीजें लहठियों को मिक्स करने के बाद, तो वो वाली मैं लहठी पहनूंगी। तो एक ये लहठी का डिज़ाइन है आप देख सकते हो, ये मेरी मम्मी ने दी है अभी जब मैं गई थी घर अभी थोड़ा टाइम पहले। ये भी एक है, साड़ी से थोड़ा सा मैच हो जा रहा है, ये थोड़ा डार्क है, साड़ी थोड़ा सा लाइट है। एक ये भी लहठी है और एक ये है आप देख सकते हो, ये देवघर गए थे तो मेरे लिए लहठी लेकर के आए थे। तो अभी मैंने मतलब तीज के पर्पज़ से कोई लहठी नहीं ली हूँ, ये साड़ी मेरे पास पहले से थे तो मैं इसी में से कुछ मिक्स करके पहन लूँगी।
और अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको इयर रिंग्स, क्योंकि मैंने सोचा है इस बार साड़ी के टाइप, जैसे मैंने साड़ी लिया है उसी टाइप से थोड़ा रेडी भी होना होगा। हर बार तो रेड या येलो लेती थी तो थोड़ा दुल्हन जैसे वो गोल्ड वगैरह सारा पहनती थी, पर इस बार मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ डिफरेंट से रेडी हुआ जाए, सोचा है मैंने, अब देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो इसके लिए मैंने ये मतलब झुमका लिया है, आप देख सकते हो। ये आप सब जरूर बताना कि मेरी शॉपिंग कैसी है, मैंने कैसी खरीदारी की है, ये सब आप जरूर बताइएगा। फिर मैं ली हूँ एक नाइटी, क्योंकि उस दिन हम सारी चीज़ न्यू ही पहनेंगे तो फिर रात में क्यों पुराना नाइटी पहनना, तो उसके लिए मैंने ये एक न्यू नाइटी भी ली हूँ। तो ये एक और अनदर मतलब ट्रे है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें जो खरीदी है, अभी मम्मी के घर गई थी तो या फिर यूँ कहूँ कि मम्मी ने दिया है, मैंने खरीदा है पर मम्मी इसका बिल पे की थी, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है खुद के लिए और भी चीज़ें। आप देख सकते हो ये मैं वहाँ से एक मेटल खरीद करके लाई हूँ, जो कि इसी साड़ी के मैच से मैंने ली हूँ, पर इसे अभी नहीं पहनूंगी तो ये मेटल है, मैं इसे कभी और पहनूंगी। आप देख सकते हो कितना प्यारा है ये, इसमें ये वेलवेट की चूड़ियाँ मेटल वगैरह फिर से पहनने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर आप ये देख सकते हो ये भी लहठी ही है, ये बाला डिज़ाइन में है, मतलब एक एक पीस का है, ये भी मैं लेके आई हूँ, तो ये सब भी कभी ना कभी मैं पहन ही लूँगी। फिर ये है मेरे दो तीन टाइप के बिंदी हैं जो मैं ली हूँ, एक आप ये देख सकते हो ये ग्रीन कलर का है, थोड़ा सा सही से जा नहीं रहा है, स्टोन थोड़ा चमक जा रहा है इसका, ये प्लेन रेड कलर है, और एक ये है छोटा छोटा सा है। और ऐसे में और मार्केट आज सामने जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि और भी थोड़ा बहुत मिल जाए कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइन के। और ये तीन चार कलर के नेल पॉलिश हैं, ये देखो आप, ग्रीन है, पिंक है, पीच कलर है, मरून है और डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन एकदम मेहंदी कलर जो बोलते हैं, तो ये सब कलर के नेल पॉलिश मैं लाई हूँ खरीद करके। ये दो रबर बैंड्स हैं, और फिर ये दो तीन कलर का लिपस्टिक भी है जो भी मैंने न्यू रखा हुआ है, क्योंकि उस दिन न्यू लगाते हैं लिपस्टिक वगैरह सब कुछ। ये एक रेड कलर का है, ब्लू हेवन का है, ये देख सकते हो आप। और ये एक मैजेंटा कलर का है पिंक, ये सुगर का है, और ये थोड़ा न्यूड है, पिंक ही है बट न्यूड पिंक है, ये भी सुगर का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद के लिए खरीदी है, और भी सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अगर आज मार्केट जाऊंगी तो मेरा मन है थोड़ा बहुत साड़ी के मैचिंग का फ्लावर वगैरह लेने का, अगर रोज़ वगैरह मिल जाता है तो वो सारी चीज़ें तो आपको तीज वाले दिन वाले व्लॉग में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो सब अभी मैं नहीं ली हूँ क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी, कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, फिर आज नहा खाई है तो मैं जा नहीं पाई, आज मतलब नहा खा वाले दिन ही आज जाऊँगी। वीडियो तो आप थोड़ा आगे देख रहे हो, तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी मतलब मेरी खरीदारी वगैरह सारी हो गई है, और मतलब साड़ी मैंने दिखला दी आपको जो मैंने खुद के लिए खरीदा है, और ये सारी चीज़ें दान की है, क्योंकि तीज का कल हो करके पारण वाले दिन हमें दान करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें होती है, तो मैंने सारी श्रृंगार की चीज़ें इसमें ली है। आप देख सकते हो ये तो मैंने खुद के लिए आलता लिया है, ये एक आलता है दान के लिए, क्रीम है, तेल है, सिंदूर पाउडर, छोटी सी डिब्बी है, एक मेहंदी का कोन है, रबर का एक पैकेट है, ये दो नेल पॉलिश है, मेरे हस्बैंड दो लेते हैं तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं दोनों दान कर लेते हैं, ये एक लिपस्टिक है, ये एक ऐनक है, और ये मैंने यहाँ पे लहठी ली हूँ मैं दान के लिए, देख सकते हो, ये बिंदी है, ये काजल, और कहा जाता है साथ में कुछ एक मतलब कपड़ा वगैरह भी दान करना चाहिए, तो ये एक ब्लाउज का पीस है, तो ज़्यादातर लोग यही दान में ज़्यादा देते हैं, आप साड़ी वगैरह भी दे सकते हो, तो मैंने ये लिया है, और साथ में इसका एक टोकरी भी है, तो ये सारी चीज़ें मैं दान में करूँगी। इसमें एक कंघी मेरा छूट गया है जो मैं अभी नहीं ले पाई हूँ, मैं भूल गई थी, वो मैं आज शाम में मंगवा लूँगी। और ये सारी चीज़ें थी मेरी तीज के लिए, मेरी सारी तैयारियाँ मेरी हो गई है पूरी, अब बस थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो
तो ये सारी तैयारियां तो हो गई है। और अब होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा ब्लॉग है क्योंकि ये तीज की तैयारी को लेकर के था, तो मैं इसमें और भी बहुत सारा चीज़ ऐड करना नहीं चाह रही थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई है और फिर आज मतलब तो आज जिस दिन ही आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन तो तीज रहेगी। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं डालूंगी कि मैं कैसे रेडी हुई, कैसे पूजा की वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा बैक टू बैक जितने सारे ब्लॉग आएंगे आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।